हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हो आप सब ठीक होंगे और जैसे कि हमने आरआरबी एनटीपीसी के मैराथन में भाग ले ही लिया है तो हमें इसको निकालना ही है ठीक है तो इसीलिए ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारी अभी तक के दो क्लासेस चल चुकी हैं और उसमें चार वीडियोस आ चुकी हैं आज डे थ्री और पार्ट वन है और जिसने भी अभी तक डे वन के दोनों पार्ट और डे टू के दोनों पार्ट नहीं देखें जाके देखिए बहुत हेल्पफुल है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ठीक है तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इज एन मतलब एक द्वीप समूह क्या होता है तो क्या होता है वो आइलैंड्स का कलेक्शन होता है क्लस्टर चेन ग्रुप आइलैंड के ग्रुप को चेन को क्लस्टर को क्या बोलते हैं आरकी पेलोगो ठीक है मतलब दीप समूह तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ग्रुप चेन क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिन तेंदुलकर मेड हिज टेस्ट डेब्यू इन 1989 एट मतलब ये कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने 1989 में टेस्ट विकेट में सबसे पहला टेस्ट विकेट कहाँ खेला था अपना ठीक है का, तो कहाँ खेला था कराची पाकिस्तान में और किसके अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच प्रिंसिपल डज द ह्यूमन आई वर्क जो हमारी आंखें होती है हमारी आई होती हैं ह्यूमन आई होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती हैं तो कौन से प्रिंसिपल पे करती हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पे ठीक है प्रकाश का अप्रवर्तन पे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू ओ इलेवन ऑल्सो नोन एस ठीक है ये किसका फॉर्मूला है ये हमारा है सुक्रोज का ठीक है और इसको शुगर भी बोलते हैं ठीक तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रधाना समाज प्रधान समाज के संस्थापक कौन थे तो कौन थे डॉक्टर आत्मराम पांडुरंग ठीक है आत्मराम पांडुरंग जी थे ठीक और ये जो प्राधाना समाज था ये कब इस्टलिश हुआ था ये हुआ था 1860 में और कहाँ हुआ था बॉम्बे में हुआ था ठीक है बॉम्बे में हुआ था ये मेन क्या प्रचार करते थे ना इन लोगों का मेन प्रपोगेशन क्या था जो इंटरकास्ट मैरिज है विडो री मैरिज इंटरकास्ट मैरिज विडो मैरिज इन सब पे काम करना इसको प्रचार करना प्रसार करना ठीक है इन चीज़ों पे प्रचार करते थे ये लोग और कब हुआ था एडियन सिक्सटी कहा? में कहाँ बॉम्बे में तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट अबाउट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर मतलब कह रहे हैं इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति के बारे में बताता है ठीक है तो कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल थ्री ठीक तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कैपिटल गेंस टैक्स इन इंडिया इनमें से कौन भारत में पूंजीगत लाभ कर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो कौन करता है टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ अ कैपिटल एस ड्यूरिंग ड्यूरिंग ईयर, ठीक है मतलब एक वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर वो इसको डिस्क्राइब करता है किसको कैपिटल गेंस टैक्स को ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिटी हैदराबाद हैदराबाद सिटी का फाउंडर कौन है तो मोहम्मद कुली कुतुब जी हैं ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स विच इज़ वन ऑफ द फोर होली साइट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज लोकेटेड इन मतलब जो महाबोधि मंदिर परिसर है जो भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित चार पवित्र स्थलों के बारे में बताते हैं वो कहाँ पर है वो है अपना बिहार पे कौन सा महाबोधि टेम्पल ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीता अम्बानी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू जॉइन द डैश एज एन इंडिविजुअल मेम्बर जो नीता अम्बानी जी हैं उन्होंने कौन सी कमेटी ज्वाइन करी और वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है उस कमेटी को ज्वाइन करने वाली ठीक है तो कौन सी कमेटी ज्वाइन करी उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और सी वॉज नॉमिनेटेड बाई आई ओ सी एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन जून टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलेरली कॉल्ड एज लाफिंग गैस जो लाफिंग गैस है वो क्या कहलाती है इनमें से उसका क्या नाम है तो क्या नाम है n2o n2o फ्रेंड टू क्या हमारी नाइट्रोसिक ऑक्साइड ठीक है नाइट्रस ऑक्साइड हमारी लाफिंग गैस है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंडक्ट डिटेल स्टडी इन टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन लाइव स्टॉक सेफ्टी लेबोरेटरी हैज़ बीन सेटअप इन इंडिया एट पशुओं में रोग पैदा करने वाले जीवों का वितरित अध्ययन करने के लिए भारत में जैव सुरक्षा प्रयोगशाला जो है लेबोरेटरी है स्थापित की गई है कहाँ तो कहाँ स्थापित की गई है बेंगलोर में ठीक है क्या कौन सी लेबोरेटरी जो पशुओं में रोग पैदा करने वाले जीवों का विस्तृत अध्ययन करती है ठीक तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल वॉज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोविंग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोथल सिटी मिली थी वो किसके लिए फेमस थी अपने डॉक यार्ड के लिए डॉक यार्ड मतलब जहाज बनाने का जो स्थान होता था ठीक है अब ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेरी एक अपनी अलग वीडियो है डिटेल में मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं उसमें मैंने आप जाके उसको जरूर देखना आपको बहुत हेल्प मिलेगी और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोविंग कलर लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन से कलर की होती है तो कौन से कलर की होती है रेड की और इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है ठीक है वेवलेंथ बहुत लॉन्गेस्ट होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट होती है ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट वॉज इसरो फाउंड इसरो कब फाउंड हुआ था तो कब फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 में ठीक बी ऑप्शन 15 अगस्त 1969 में और हेड क्वार्टर कहाँ है बेंगलोर में ठीक है अभी अपने ये मैंने जो पार्ट वन पार्ट टू बना रखे हैं इसके उसमें भी इस रो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आप जाके उसको जरूर देखना सो द द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज हु अमंग फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस निम्नलिखित में से कौन पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे कौन थे ये जान लो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ठीक है जिन्होंने क्या किया था रिजाइन दिया था तो कौन थे मोरारी देसाई जी थे ठीक अब ये अपने फोर्थ प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के ठीक है फोर्थ प्राइम मिनिस्टर रह चुके और सर्व मतलब उन्होंने अपनी सर्विस कब तक दी कब कब दी 19 77 टू 1979 तक ठीक और ये अपने फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ इंडिया रह चुके हैं नॉन कांग्रेस ठीक है नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ इंडिया सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनीवर्ड ओमनी पूछ रखा कौन से नहीं है अब पहले मैं बताती हूँ तो मैं ओमनी होते क्या हैं ओमनी क्या होते हैं जो सर्वाइव और खाते मतलब सर्वाइव भी उसी पर है और खाते भी वही चीज़ है क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब जो ओमनी है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चीज़ को खाते भी और इन्हीं को खा के सर्वाइव भी करते हैं ठीक और कार्निवोर्स क्या होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं ठीक अब रैट सब कुछ खाता है आंट चिटियाँ भी सब कुछ खाती है भालू प्लांट्स भी खा रहा है एनिमल्स भी खा रहा है सब कुछ खा रहा है एक स्नैक है जो सिर्फ लिजर्ट्स रोटेंट्स ये चीज़ें खा रहा है वो प्लांट्स नहीं खाता है ठीक है तो वो ओमनी नहीं है ठीक है वो कार्निवोर है क्या है स्नैक इज इन कानी वोर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यू एफ पी इज द फूडेंट ब्रांच ऑफ यूनियन नेशन वेयर इज इट हेडक्वाटर ठीक है जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ रखा तो कहाँ है रोम में है ठीक और ये कब फॉर्म हुआ था कब हुआ था डब्लू एफ पी हाँ कब हुआ था उन्नीस दिसंबर उन्नीस सौ इकसठ में फॉर्म हुआ था ठीक तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टू थाउजेंड फोर नासा लॉन्स द मैसेंजर स्पेस क्राफ्ट टू स्टडी देखो इससे हमें पता चल गया कि 2004 में नासा ने क्या लॉन्च किया था मैसेंजर स्पेस क्राफ्ट और क्या स्टडी करने के लिए कौन से प्लान को स्टडी करने के लिए मरकरी को ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया इज द इफेक्ट ऑफ मतलब कह रहे है, दो माध्यम के दो मीडिया के बीच की सीमा पर प्रकाश का झुकना डैश को प्रभाव करता है किसको प्रभाव करता है रिफ्रैक्शन को प्रभाव करता है ठीक है रिफ्रेक्शन को प्रभाव करता है रिफ्रेक्शन को प्रभाव करता है अब जो हमारी रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे पास होती है इसीलिए रिफ्रैक्शन ज्यादा प्रभाव होता है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज हाइट ऑफ स्टेचू ऑफ यूनिटी दैट इज लोकेटेड इन गुजरात जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में लोकेटेड है ये पता चल गया उसकी हाइट कितनी है 182 एटी टू मीटर और किसके लिए बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को डेडिकेटेड करके बनाई गई है और कहाँ पर है सरदार सरदार सरोवर डैम पे है ठीक है सरदार सरोवर डैम पे है और कौन सी नदी पे है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर है नर्मदा

ठीक है सफायर जुबली बोलते हैं ठीक तो डायमंड जुबली किसको बोलते हैं सिस्टियत एनिवर्सरी को बोलते हैं सिस्टियत एनिवर्सरी को डायमंड जुबली बोलते हैं ठीक बाकी सारे ठीक है फिफ्टीयथ को गोल्डन बोलते हैं फोर्टियथ को रूबी बोलते हैं ट्वेंटी फिफ्थ को सिल्वर बोलते हैं और सेवेंटी को प्लेटिनियम बोलते हैं ठीक तो इसका ऑप्शन है ए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज वर्ड रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स जो अपने घरेलू कुत्ते होते हैं उनकी स्टडी को साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं साइनोलॉजी क्या बोलते हैं साइनोलॉजी और डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है अब जब डॉग की बात आई गई है तो जान लेते हैं क्या है कैनिस ल्यूपस ल्यूपस ठीक है कैनिस ल्यूपस उन डॉग्स का साइंटिफिक नेम है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टेनिस हार्ड कोर्ट इज टाइप ऑफ कोड हु में जो हार्ड कोर्ट होता है वो किसका बना होता है तो किसका बना होता है कंक्रीट का बना होता है जो उसका सरफेस होता है ना हार्ड कोर्ट का वो कंक्रीट का बना होता है ठीक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट कॉमर्शियल सेटेलाइट ऑन ट्वेंटी फोर्थ नवंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेशनल स्पेस प्रोग्राम किस देश ने अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 24 नवंबर 2015 को अपना पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया मतलब वाणिज्य उपग्रह लॉन्च किया तो किसने किया था जापान ने ठीक है किसने किया था जापान ने किया था कब किया था 24 नवंबर 2015 को किया था क्या किया था फर्स्ट कॉमर्शियल सेटेलाइट ठीक तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वाज़ इस्टैब्लिश बाय दोजी टाटा इन जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है उसको दौरा टाटा ने स्टैब्लिश किया था नाम पता चल गया दौरा ने किया था कब किया था 1907 में किया था ठीक तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हिच ऑफ द फॉल लिविंग इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है तो कहाँ पर है द और ये कहाँ है लैंड में ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मलीमत कमिटी रिपोर्ट डील्स विथ जो मलीमत कमेटी है वो किसको डील करती है ठीक है किसको रिपोर्ट करती है किसको डील करती है? क्या है वो मलीमत कमेटी पहले तो हम जान लेते हैं मलीमत कमेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इस्टेब्लिश हुई ठीक और उस टाइम पे उनके चेयरमैन कौन थे वी एस मलीमत वी एस मलीमत जी थे ठीक है इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये मलिमत कमेटी बनी अब ये किससे डील करती है ये डील करती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप एम ए एस टी वॉज एट द डैश सोलर सिस्टम जो भारत के मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का संचालन कहाँ हुआ था कौन सा सोलर ऑब्जर्वेटरी में हुआ था तो कौन सी सोलर ऑब्जर्वेटरी में हुई थी उदयपुर की जो उदयपुर की सोलर ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पर एम का संचालन हुआ ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870 सेवेंटी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे कौन थे केशव चंद्र सेन जी थे ठीक और वो ब्रह्म समाज के भी मेंबर बने थे 1856 में ठीक है और उन्होंने 1855 में ठीक है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी भी स्टेब्लिश की थी ये केशव चंद्र सेन जी ने ठीक देखो इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी 2021 में जो फेज सिक्स या फाइव में आ चुका है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आर एरबी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको रट देना आप क्वेश्चन इज जली कट्टू बुल फाइट टेक प्लेस इन जो जलीकट्टु सांड की लड़ाई होती है वो कौन से स्टेट में होती है पूछ रखी है तो कौन से स्टेट में होती है तमिलनाडु में होती है ठीक तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ अब क्या हुआ था ना ट्रेन्स की बढ़ती नंबर देख के इंडियन रेलवे ने मिशन रफ्तार अनाउंस किया ठीक है अपने रेलवे बजट दो हजार सोलह सत्रह में तो क्या है फिर अब इससे पता चल गया हमें मिशन रफ्तार किससे रिलेटेड है रेल ट्रांसपोर्ट से है ठीक तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है ठीक है हम जानते कौन सा है जो रमेश चंद्र दल जी हैं वो इकोनॉमी हिस्टोरियन रह चुके हैं इंडिया के तो कौन है इकोनॉमी हिस्टोरियन है ठीक है अब बताती हूँ ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर का नील दर्पण बता रखा है वो उन्होंने नहीं लिखी है वो एक जो राइटर है उनका प्ले है तो किसका प्ले है वो दिनबंधु मित्रा का प्ले है वो ठीक है इसीलिए ये सारे गलत हैं और हमारे रमेश चंद्र दल जी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया रह चुके हैं ये करेक्ट मैच है ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोविंग इंसेक्टीसाइड्स हार्मफुल इफेक्ट केम अंडर मीडिया अटेंशन हेल्थ इन केरला वर मतलब कह रहे हैं कि जब केरल में स्वास्थ्य के मुद्दों को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक के हानिकारक प्रभाव मीडिया के ध्यान में आए कहाँ आए ये देख लो केरला में आए ठीक है कौन सा कीटनाशक था एंडोसल्फान ठीक और ये जो एंडोसल्फान है ये एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है इंसेक्ट्स uh, पैट्स इनको सारे को कंट्रोल करने के लेकिन इसका ह्यूमंस पे असर पड़ रहा था इसीलिए इसको बैन करने की बात हुई थी ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम फाइटर भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग फॉर द मर्डर ऑफ स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई तो किसकी दी गई जे पी की ठीक है इनकी वजह से इनको आ, क्या फांसी में लटकाने का ऑर्डर दिया था और कब दिया था वो जान लेते हैं चौबीस मार्च उन्नीस इकतीस में ये क्वेश्चन भी आता है ठीक है कब दिया गया था चौबीस मार्च उन्नीस सौ इकतीस में किसके लिए किसकी हत्या के जुर्म में जेपी सौंदर्स की ठीक